चंडीगढ़ में बिजली विभाग को प्राइवेट करने को लेकर आज चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 24 घंटे की स्ट्राइक कर दी, जिसका खामियाजा चंडीगढ़ की जनता को झेलना पड़ा। वहीं खबर वन इंडिया की टीम के पत्रकार शशांक पांडे ने चंडीगढ़ के विकास नगर का जायजा लिया तो क्या कहा वहां के निवासियों ने, देखिए ये रिपोर्ट। तो आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के विकास नगर कॉलोनी में। जैसा कि आज चंडीगढ़ आधा शहर अंधेरे के अंदर है और यहां पर भी काफ़ी घंटों से लाइट जा रखी है और लोग परेशान हो रहे हैं, तो आइए जानते हैं लोगों से क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज यहाँ पर कितने समय से लाइट नहीं? ये आज 2:30 बजे से लाइट यहाँ पर जो विकास नगर में नहीं है, और जिसकी लाइट ना होने की वजह से आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे और सभी जो हैं यहाँ बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमें पानी की समस्या आ रही है। अगर वो पानी अगर किसी तरीके से जनरेटर चला के भेज रहे हैं, पर पानी जो है हमारे नीचे आ रहा है, जो कि हमारे फ्लैश वगैरह के लिए पानी टैंकी भरते हैं उससे हमारा वो यूज़ होता है, जो कि हमें बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को। और इस टाइम अब खाना बनाने के लिए कई लोगों को यहाँ पर ये होता है कि जब तक मोटर नहीं चलाते हैं पानी की, जब तक हमारे घरों में पानी नहीं आता है, इस कारण से यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं। दूसरा ये कि लाइट की परेशानी, हमारे को ये भी नहीं बताया जाता, कभी सूचित नहीं किया जाता कि लाइट कब आएगी कब जाएगी। बिल तो कंटिन्यू हमारे पास आता है, हर महीने बिल आता है और टाइम टू टाइम होता है, पर लाइट का हमारे पास कोई आने का समय नहीं है। जब मर्जी कट लगा देते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और कोई हमारे से कोई ऐसी प्रशासन की, बिजली प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई ऐसी सुविधा का, किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ छात्र भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी, आज लाइट नहीं है यहाँ पे, क्या परेशानी आ रही है आपको? ना परेशानी है, शाम जब से लाइट 2:30 बजे से लाइट गई हुई है, उसके बाद ना घर में पानी है ना लाइट है, तो खाना बनाने में, बच्चों को भी मैनेज करने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें कि लाइट चली जाएगी, वो तो हमें अदर लोगों से पता चला कि लाइट चली गई है। कोई डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है, और हम कॉल कर रहे तो हमारा कॉल वो पिक नहीं करते हैं, और कॉल पिक भी करते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से हमसे बात करते हैं, ढंग से हमें जवाब भी नहीं देते हैं। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज हम यहाँ पे लाइट नहीं आएगी, और परेशानी का सामना तो इवन करना ही पड़ेगा। महिलाएं हैं, घर में खाना बनाना है या बच्चों को देखना है, कुछ भी करके आप देख ही रहे हो कितना अंधेरा है, पानी नहीं है, बिना मोटर के पानी चढ़ता नहीं है, तो हर चीज़ की परेशानी है बहुत ज़्यादा। आज लाइट नहीं है विकास नगर में, तो आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे फ़ोन चार्जर नहीं है, इसलिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस मिस हो गई है। स्कूल से कॉल भी आ रहे हैं कि क्लास अटेंड नहीं करी आपने, और सब कुछ बंद पड़ गया है इसलिए, क्योंकि ये चार्जिंग नहीं आएगी। बिजली विभाग के SDO ने कहा, आज चंडीगढ़ में बिजली विभाग कर्मचारियों की 24 घंटे की स्ट्राइक से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कर्मचारी 11 बजे के बाद काम पर आ जाएंगे, उसके 2 घंटे के बाद बिजली सुचारू रूप से दुरुस्त हो जाएगी। सर, आज ट्राई सिटी के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, हाँ, और काफ़ी सारी कंप्लेंट भी दर्ज हो गई है। बिल्कुल जी। अभी तक सर उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, प्रावधान नहीं होगी उसका? ऐसे है जी, ये जो एक तो नेशनल लेवल दी अज 24 घंटे दी स्ट्राइक सी, प्लस साडे UT विच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दी भी स्ट्राइक सी, वो किसान बैंक भी सी, काफ़ी जड़ियाँ चीज़ा सगिया उद की है। SDO सारे जो साढ़े सारे चंडीगढ़ के SDO असी अपने सब डिविजन के बैठे हैं जी, राउंड दी कलोम 24 घंटे लिए असी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हुण जो स्टाफ आएगा वो 11 बजे आएगा, क्योंकि रात 11 बजे तो उन्होंने काम छड़ता सीगा 24 घंटे लिए, ठीक है जी। हुण 11 बजे आएगा, जिमें जिमें जाते जाएंगे सारा नाइट वाला स्टाफ आ जाएगा, प्लस जोड़े JEE साढ़े JEE तक अपने स्ट्राइक ते सीगे जी। सर, ये जो स्ट्राइक है क्या कारण है सर? एक तो प्राइवेटाइजेशन है जी चंडीगढ़ का कुछ मुद्दा जी, ठीक है। बाकी नेशनल की जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, मतलब जो आया था, हम स्ट्राइक में नहीं आते जी। बस अब 11 बजे जो स्टाफ आएगा जी, वो JEE भी आएंगे, एरिया वाइज JEE है, कंप्लेंट्स नोट है, जो जो है वो रेक्टिफाई, मतलब मोस्टली 2 घंटे में वो सारा। कितनी कंप्लेंट अभी तक आ चुकी है आपके पास ट्राई सिटी से, चंडीगढ़ से? नहीं, चंडीगढ़ नहीं मेरे पास है, मेरे पास सिर्फ मनीमाजरा का एरिया। मनीमाजरा से आपको, आपके पास मेरे पास जी, क्योंकि कुछ एरिया बंद है, जैसे आपका विकास नगर का जो हमारी मेन लाइन है वो ट्रिप हुई हुई है, उसमें क्या है, एक नंबर लिख लो चाहे पूरे विकास नंबर, विकास नगर का, वो सारा एक में ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता भी वो लाइन चालू होगी उससे सारा एरिया रेक्टिफाई हो जाएगा, चल जाएगा। ऐसे जैसे किशनगढ़ है, फ़ोन तो रेगुलर हर कोई, क्योंकि अगर एक कहीं किसी एरिया में 200 या 300 मकान है, वो हर कोई कोशिश करेगा हमें कॉल करने की,
ठीक है हमारी हम उसको जवाब देते भी हाँ जी, वो क्या फिर 200-300 कंप्लेंट तो लिखने का कोई वो नहीं है, हमें बताया भी इस लाइन से ये एरिया टोटली बंद है, फिर उस हिसाब से हम हमारे अब 2-3 एरिए है जो बंद है, एक तो अभी जैसे आया था माड़ी वाला टाउन है, वो जैसे ही आएंगे हमारे बंदे 11 बजे के बाद शुरू कर देंगे काम साथ ही हमारा। सर लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि यहाँ पे जब शिकायत दर्ज कराने के लिए फ़ोन किया जाता है तो नहीं लगता, आउट ऑफ रीच आता है या ये सही से नहीं दिया जाता। ये देखो जी मेरी ध्यान में अब आया है, पहले मैं यहाँ 1 अक्टूबर से आया हूँ, अब जो अगर कोई ऐसा होगा मेरे फर्स्ट हो आप जिसने आपने मेरे को बुलाया भी ये है, मैं देख लूँगा क्योंकि 11 बजे के बाद से हमारा रेगुलर स्टाफ आ जाएगा, कल मैं मॉर्निंग टाइम में उनको पूछ लूँगा भी भाई कौन है फ़ोन नहीं पिक हो रहा है या क्या है, वैसे ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है। ऐसा पहले भी यहाँ पर हो चुका है और लोगों के गुस्से का यहाँ पर हो सकता है जी, हो सकता है जी, हो सकता है जी, देखो लोग अपनी तरफ से सही है, हम मैं नहीं कहता भी लोग हैं, बट मेरी नॉलेज में जैसे अब आया मैं इनसे पूछूँगा जी कल भी भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाते, हम पब्लिक के लिए ही फ़ोन लगे हुए हैं हम उठाएंगे, वैसे फ़ोन उठाना हमें भी हमारे लिए फ़ोन ज़रूरी ही है क्योंकि जब जैसे कोई साइड में फॉल्ट पड़ता है, फॉल्ट के कारण जब हमें लोगों का ही कहीं होता है भी यहाँ जी शॉर्ट सर्किट हुआ, वो हमारे बंदे बजाय वो ऐसे ही अंधेरे में घूमते घूमते या डे टाइम में अंधेरा मीना है जैसे हम घूमते हैं पूरी लाइन हमें वो पता चलता है वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर बंदे हमारे इमीडिएटली वहाँ पहुंच जाते हैं। इस तरह से हड़ताल के पीछे यहाँ पर लाइट बंद की है और अभी तक चालू नहीं, बंद नहीं की जी, जैसे फॉल्ट पड़ गया और वो ट्रिप होगी, अब उसको जो स्टाफ आएगा वो पेट्रोलिंग करेंगे, जैसे कई बार क्या होता है अभी लाइन है यहाँ से मान लो जी हमारी आपके विकास नगर तक गई है, वो 26 से आती है विकास नगर, उसको अगर हम सीधा ही ऑन कर दें मान लो कोई तार टूट के नीचे गिरी हो उसमें करंट हो लाइन हो जाए आप हो मैं हो कोई भी उसको उसके पकड़ उसमें आ जाए रेंज में वो फिर आगे भी इस तरह की हड़ताल का कोई नोटिस है ये मेरी नॉलेज में नहीं है। ये जो यूनियन है जी देखो ये तो नेशनल लेवल की हड़ताल है उसमें उनको पता होगा भी आगे क्या है भी है भी कैसे है स्ट्राइक आगे कैसे है क्या है, ये हमारे उसमें नहीं आता जी। तो अभी आपका कहना है कि 24 घंटे के जैसे ही 24 घंटे होते हैं और इमीडिएटली स्टाफ हमारा 10:30 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा जी, 11 बजे जब 11 बजते ही वो अपने काम के लिए निकल जाएगा क्योंकि रात 11 से 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक ये नोटिस दिया जाता है गवर्नमेंट को जी, तभी फिर हम भी तभी बैठे हैं, मेरी ड्यूटी अब 24 आवर्स हूँ मैं, अब मेरे साथ एक एक्सन साहब थे वो अभी खाना खाने के लिए गए हैं फिर आ जाएंगे, वो हम दोनों बैठे रात हम 11 बजे से स्टैंड स्टिल है जी। चंडीगढ़ से शशांक पांडे की स्पेशल रिपोर्ट।